आज ट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट का दीर्घ वृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइया उत्केंद्रता तथा लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए यहाँ हमें समीकरण दिया हुआ है उसे लिखकर हम इसे हल कर लेते हैं तो एक्स का वर्ग वाय का वर्ग बटा चार सौ बराबर एक तो अब इसे हल हल करने के लिए दोस्तों यहाँ हम समीकरण एक इसे मान लेते हैं समीकरण एक और इसकी तुलना दीर्घवृत्त के मानक कर समीकरण से करते हैं वो क्या है तो समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की तुलना दीर्घवृत्त के मानक कर समीकरण एक्स का वर्ग बटा a का वर्ग धन वाय का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर एक से करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा a का वर्ग बराबर सौ तो a बराबर क्या आ जाएगा दस और b का वर्ग बराबर क्या है 400 तो करनी 400 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा b के बराबर 20 तो a और b का दोनों का मान आ गया अब यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि चूंकि b बड़ा है a से अर्थात दीर्घ वृत्त की दीर्घ वृत्त का दीर्घ अक्ष दीर्घ वृत्त का जो दीर्घ अक्ष होगा दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा y अक्ष के अनुदिश होगा तो हमारा जो शीर्ष और नाभि के निर्देशांक है वो कहाँ पहुंचे होंगे वाय अक्ष पर स्थित होंगे तो पहला चीज हमें जो निकालना है दीर्घवृत्त का शीर्ष के निर्देशांक शीर्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे दोस्तों ये हो जाएगा शून्य कौमा धन ऋण बी बी का मान कितना है बीस तो ये हो जाएगा शून्य कौमा धन ऋण बीस ये आ गया वाय शीर्ष के निर्देशांक उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है दूसरी चीज तो हमें दूसरी चीज दोस्तों ज्ञात करनी है इस उत्केंद्रता इस दीर्घवृत्त की तो उत्केंद्रता दीर्घवृत्त की जब b बड़ा हो a से ये क्या हो जाएगा दोस्तों e उत्केंद्रता को इसे दर्शाते हैं करणी में एक ऋण a का वर्ग बटा b का वर्ग मान रखते हैं यहां से दोस्तों इसे हल करते हैं करणी के अंदर क्या आ जाएगा देखिए करणी में एक ऋण सौ बटा एक का वर्ग कितना है सौ और बी का वर्ग कितना है चार सौ तो दो शून्य यहाँ से दो शून्य यहाँ से कितना आ जाएगा ये चार ऋण एक बटा करणी के अंदर चार ऋण एक बटा चार यानी करणी तीन बटा दो यही आएगा हमारा हल क्योंकि तो करणी चार बराबर क्या हो जाएगा दो तो यहां दोस्तों, दोस्तों, ये यहाँ से उत्केन्द्रता का मान कितना आ गया दोस्तों ई बराबर करणी तीन बटा दो हमारी उत्केन्द्रता आ गई इसके बाद चौथी चीज जो निकालनी हमारे तीसरी चीज क्या है नाभि का निर्देशांक तो नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा चूंकि दोस्तों अक्ष पर स्थित है इसकी नाभि इसके लिए इसका क्या होगा शून्य कौमा धन ऋण बी गुणा ई का मान हमने निकाल लिया है बी का मान भी हमें पता है तो रख देते हैं कौमा धन ऋण का मान कितना है बीस गुणा करणी तीन बटा तो, तो दो एकम दो, दो दहा बीस कितना आ गया नाभि इसे हल कर देते हैं ये हो जाएगा शून्य कौमा धन ऋण दस कर्णी तीन के निशाक आ गया शून्य कौमा धन ऋण दस करणी तीन यह हमारे का निर्देशांक है उसके बाद दोस्तों अगली चीज हमें निकालनी है दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष तो दीर्घ अक्ष क्या हो जाएगा दीर्घ अक्ष की लंबाई ये कौन सा हमारा दीर्घ अक्ष? Y पर, पर है, जाएगा दो गुणा बी तो बी का मान कितना है बीस तो दो गुणा बीस कितना होगा चालीस इसी प्रकार लघु अक्ष तो लघु अक्ष की लंबाई लघु अक्ष की लंबाई कितनी होगी दोस्तों दो गुणा ए ए का मान कितना है दो गुणा दस कितना हो जाएगा ये बीस तो हमारी बीस और जो दीर्घ अक्ष आएगा वो कितना आएगा चालीस पांचवी चीज और आखिरी जो हमें निकालनी है लंब तो दोस्तों दीर्घ वृत्त का लंब जब बी बड़ा हो ए से ये क्या हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा दो ए का वर्ग बटा बी तो दो गुणा ए का वर्ग कितना है ए का वर्ग है सौ बटा पी का मान कितना है दोस्तों यह है बीस दो यहाँ से शून्य से शून्य कटा दो से दो कटा कितना आ गया नाभिलम्ब दस इकाई तो इस से अगर से नाभिलंब भी भी दस इकाई दोस्तों हमने सभी चीजें निकाल ली जो हमें ज्ञात करनी थी धन्यवाद आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए कक्षा छब्बीस से बारवी से लेकर नीट आई आई टी जेई वो एडवांस के लेवल तक कर, एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नारे डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ आरोप